हम देखते हैं कि अहोरा से लड़ाई के बाद रिमार्क वहां से चला जाता है और अहोरा बस वहीं पर खड़ा होकर उसे देखता रहता है। तभी कोड़ा अहोरा से पूछता है, पिताजी क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? इस पे अहोरा कहता है, वो जल्द दोबारा वापस आएगा। इस पे कोड़ा कहता है, पिताजी मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि आपकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, आप रियुमाक का सामना कर पा रहे थे। इस पे अहोरा कहता है, कोड़ा तुम्हें जैसी चीजें दिख रही है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इस पे कोड़ा कहता है, क्या आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं पिताजी। इस पे अहोरा कहता है, वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम सबको आजमाने आया था और कुछ नहीं। इस पे कोड़ा कहता है, पिताजी वो जब भी दोबारा आएगा हम उसके लिए तैयार रहेंगे। इस पे अहोरा कहता है, मैंने कहा ना कोड़ा, ये जितना आसान दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और तबाही वो तो जरूर होगी, लेकिन जितना भी हो सके हमें उसे रोकना है। कोड़ा तुम्हें अपने लाइट पावर का इस्तेमाल करना सीखना होगा, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। इस पे ग्यूरा कहता है, लेकिन किंग अहोरा वो जो कह रहा था क्या वो सच था, क्या सच में लॉर्ड फर्स्ट कुसायामा? इस पे अहोरा कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन शायद हो सकता है कि ये सच हो। ये बात को कहने के बाद अहोरा वहां से जाने लगता है। तभी कोड़ा कहता है, लेकिन पिताजी। इस पे अहोरा कहता है, कोड़ा ये लड़ाई का आखिरी पड़ाव हो सकता है हम सभी के लिए, क्योंकि हमारा जिससे सामना होगा उसे हराने वाला पूरे मल्टीवर्स में कोई नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि मैं अपने सैयंस को भी मरने नहीं दूंगा हर कीमत पे। इस लड़ाई में या तो हम मारे जाएंगे या फिर वो, और अब ये आखिरी लड़ाई होगी। ये बात को कहने के बाद अहोरा वहां से चला जाता है। इस पे ग्यूरा कहता है, कोड़ा तुम समझ गए किंग अहोरा क्या कहना चाहते थे। इस पे कोड़ा कहता है, ग्यूरा मैं पिताजी की बातें पूरी तरीके से समझ गया, मुझे उसे हासिल करना होगा, शायद ये हमारे पास आखिरी मौका होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें डाइजो को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने में लगा हुआ था, और वो कहता है, बस कुछ वक्त और उसके बाद मैं इन सभी का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पे रियुमाक आ जाता है और वो डाइजो को देखकर कहता है, क्या बात है तुम भी आजाद हो चुके हो, लेकिन आखिर कैसे, ये किसने किया है? डाइजो रियुमाक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ा घबरा भी जाता है, और वो रियुमाक से कहता है, क्या तुम भला यहां पर क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? इस पे रियुमाक कहता है, पहली बात तो ये डाइजो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है और तुम किससे बात कर रहे हो। तुम अभी बाहर आए हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस दोबारा सील कर दूं
या फिर मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं पर खत्म कर दूं। इस पे डाइजो कहता है, मुझे माफ कीजिए माय लॉर्ड, मुझसे गलती हो गई। इस पे र्यूमार्क कहता है, मुझे पता है तुमसे बहुत सारी गलतियां होती रहती है, खैर मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। चूंकि तुम एक गॉड किलर हो तो तुम्हारा काम अब से गॉड को मारना शुरू होता है, समझे? इस पे डाइजो कहता है, ये आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। इस पे र्यूमार्क कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूं, क्या तुम ओमनी किंग को मार सकते हो? इस पे डाइजो कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप तो खुद एक सुप्रीम ओमनी गॉड हैं, तो आप भला मुझे ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं? इस पे र्यूमार्क कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी सैयन अब जिंदा ना रहे, और अगर वो सैयन ओमनी किंग मारा जाएगा तो सभी की उम्मीदें बहुत ही जल्दी टूट जाएंगी। हालांकि इससे मुझे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। इस पे डाइजो कहता है, लेकिन लॉर्ड सेकंड, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं, आपके लिए ये तो बाएं हाथ का काम है, तो आप इसे क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पे र्यूमार्क कहता है, मेरे पास अभी उतना वक्त नहीं है, समझे? मुझे और भी काम करने हैं, और जहां तक मैं जान पा रहा हूं, यहां पर सैयंस में सिर्फ दो सैयन हैं, जो कि थोड़ी बहुत मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इस पे डाइजो कहता है, क्या वो ओमनी किंग है? इस पे र्यूमार्क कहता है, नहीं नहीं, वो ओमनी किंग नहीं है, वो है किंग ऑफ इलाइट सैयन अहोरा, और फादर ऑफ ऑल सैयन अकुमो। इस पे डाइजो कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? क्या वो सच में आजाद हो चुका है? इस पे र्यूमार्क कहता है, हाँ, लेकिन ज्यादा उन सभी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं उन दोनों को आने के बाद संभाल लूंगा, तब तक हो सके तो तुम उन दोनों से दूर रहो और ओमनी किंग पर ध्यान दो, समझे? अगर तुम में इतनी ताकत है कि तुम ओमनी किंग को मार सकते हो तो उसे मार दो, समझे? और ये मेरा हुक्म है, लेकिन एक बात, उसे मारते वक्त कहीं तुम खुद मत मर जाना। इस पे डाइजो कहता है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस पे र्यूमार्क कहता है, तो फिर ठीक है, मैं चलता हूं, मेरे वापस लौटने तक बस तुम जिंदा रहना, और अगर तुम मर भी गए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करना तुम जिंदा रहो। ये कहने के बाद र्यूमार्क वहां से चला जाता है। इस पे डाइजो कहता है, तो मेरा अगला शिकार अब एक ओमनी किंग है, और वो भी एक सैयन। खैर, मैं भले ही उस थाइमस को नहीं मार पाया, लेकिन इसे तो जरूर मारूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डाइजो अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि उस स्क्रैम्बल केज के सामने होता है, और उस स्क्रैम्बल केज का दरार लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी गोकू कहता है, ये भला क्या है? और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे पहले कोई तोड़ने की कोशिश कर चुका है। इस पे अकुमो कहता है, हाँ, वो थाइमस होगा, उसने इसे तोड़ने की कोशिश की,
लेकिन डाइजो तो बाहर आ गया, लेकिन काइजो अभी भी इसके अंदर है। गोकू, अपनी ओमनी एनर्जी का इस्तेमाल करो ताकि ये क्रैम्बल केज टूट सके। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और उस क्रैम्बल केज पे अपना हमला करता है, लेकिन वो दरार बिल्कुल वैसा ही रहता है। इस पे अकुमो कहता है, गोकू थोड़ी और कोशिश करो। हम देखते हैं कि गोकू फिर से अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू करता है, लेकिन उससे पहले ही वो दरार बड़ा होने लगता है और अचानक से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि पहला लेजेंडरी सैयन काइजो आखिरकार बाहर आ जाता है।